Hello and welcome to my YouTube channel Lead Your Life. Myself Dr. Monica Gupta and I am third generation homeopath of my family and working as medical officer under Bihar government. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कुछ दिनों के भीतर आप कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आए हैं तो आपको क्या करना चाहिए. इस वीडियो को और इस विषय को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर इस चैनल पर आप लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो इस वीडियो और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. तो आइए इस विषय को स्टार्ट करते हैं. कुछ दिनों के अंतराल में अगर आप कोविड पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आए हैं तो आप जब किसी फिजिशियन के पास जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि क्या कोई क्लोज कांटेक्ट हुआ था आपका. तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि क्लोज कांटेक्ट होता क्या है. इट मीन्स यानी कि कोविड का जो खतरा होता है ये मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. क्लोज कांटेक्ट भी किन किन परिस्थिति में आप समझ सकते हैं उसे मैं इस डिस्कशन में करना चाहूँगी. इट मीन्स कि अगर आपका जो हिस्ट्री है कांटेक्ट का वो 15 मिनट से ज़्यादा हो, चाहे वो व्यक्ति सस्पेक्टेड हो या कन्फर्म्ड हो, कोविड पॉजिटिव कन्फर्म्ड हो या भी सस्पेक्टेड हो, अगर आपका कांटेक्ट उसके साथ में 15 मिनट से ज़्यादा है तो आप उसको क्लोज कांटेक्ट मान सकते हैं. सेकेंडली कंडीशन क्या हो सकता है, सेकेंड सिचुएशन, ये तब ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो सकती है अगर सामने वाला व्यक्ति जो है वो भी मास्क नहीं पहने हुए था और आपने भी मास्क नहीं पहन रखा था. वैसे कंडीशन में और क्या कंडीशन सिचुएशन ख़राब हो सकती है, अगर आपने जो दूरी है दोनों व्यक्ति के बीच में वो 6 फीट से आपका कम था. ये भी डिपेंड करता है, सिवियरिटी इस बात पे भी डिपेंड करती है कि वो 15 मिनट का जो अंतराल था जो आपने उससे भेंट किया उस व्यक्ति से पॉजिटिव पेशेंट से, तो वो आपने AC में भेंट किया या फिर आप धूप में आपने भेंट किया या फिर आप जहाँ पे भेंट किए उससे जहाँ पे कांटेक्ट हुआ आपका वहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन था कि नहीं था, ये सारी बात जो है ये डिपेंड बताता है कि आपका जो खतरा है वो कितना आपको हो सकता है. तो ऐसे में खुद को क्वारंटाइन कर लेना ज़्यादा बेटर है. तो मैंने आपको क्या क्या बताया, कौन कौन सा कंडीशन को आप क्लोज कॉन्टेक्ट कह सकते हैं, या तो आपका हिस्ट्री वो पॉजिटिव पेशेंट से 15 मिनट से ज़्यादा का हो, सेकेंडली आप दोनों के बीच में 6 फीट से कम दूरी रही हो, या तीसरा कि आपने मास्क नहीं पहना हो, हो सकता है उसने मास्क पहना हो, आपने मास्क नहीं पहना हो, लेकिन सिवियरिटी तब ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर आप दोनों ने मास्क नहीं पहन रखा था और आप जो भेंट किए थे उस व्यक्ति से वो एक AC का माहौल था या ऑफिस था या वहाँ पे AC चल रही थी और क्रॉस वेंटिलेशन भी नहीं था, तो ऐसे कंडीशन में जो होता है वो खतरा और भी बढ़ जाता है. ये सब सिचुएशन कहाँ पर एप्लीकेबल हो सकता है, कहाँ पे आप कह सकते हैं कि मैं क्लोज कांटेक्ट में गया था. अगर आपके घर का कोई जो मेंबर है वो पॉजिटिव हो गया हो तो आप उसको क्लोज कांटेक्ट मान सकते हैं. अगर आप किसी के यहाँ लंच करने गए हों और नेक्स्ट डे आपको मालूम होता है कि जहाँ मैं गया था वो लोग तो पॉजिटिव हो गए हैं या उस फैमिली के कोई लोग पॉजिटिव हो गए हैं, तो आप अपने आप को क्लोज कांटेक्ट में मान सकते हैं. अगर आपके यहाँ जो दूध देने वाला आता है, आपकी जो बाई है, वो अगर पॉजिटिव हो गई हो तो उस कंडीशन में भी आप अपने आप को क्लोज कॉन्टैक्ट के अंदर मान सकते हैं. अब तो क्लोज कॉन्टैक्ट हो गया, अब ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए. जब अगर आपको ये एहसास हुआ, जिस दिन भी ये मालूम हुआ कि मेरा कांटेक्ट पॉजिटिव कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ हो गया है, तो घर आने के बाद तुरंत ही आप अपने सारे ड्रेस को मतलब कपड़ों को चेंज कीजिए, शावर लीजिए. सिर्फ हाथ धोने से काम नहीं चलेगा, आप शावर लीजिए, अपने बालों को भी शावर दीजिए, बाल को भी धोइए और जितने भी कपड़े आपने पहन रखे हैं उसे आप धोइए, बाहर कीजिए और पूरा फ्रेश होने के बाद जब आप घर के अंदर इंटर कीजिए तो आपको सुसुम पानी के साथ गार्गल करना है, साथ में काढ़ा जो है गिलोय का वो लेना है और विटामिन सी और जिंक का टैबलेट को स्टार्ट कर देना है. इतना प्रिकॉशन आपको उसी वक्त स्टार्ट करना है. सेकेंडली आपको वाटर का इंटेक को ज़्यादा कर देना है. जब अगर आपको सिम्टम्स मतलब आ जाते हैं तो तुरंत आप टेस्ट करवा लीजिए. पहले तो आप कोविड एंटीजन का जो टेस्ट है वो करवाइए, अगर उसमें नहीं आ रहा है तो आप जो RT-PCR टेस्ट है उसके लिए जा सकते हैं.
लेकिन अगर सिम्टम्स नहीं आए तो आपको पाँचवें दिन, यानी कि अगर सिम्टम्स आपने तो पहले महसूस किया कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ आपका कॉन्टेक्ट हुआ, उसके बाद भी अगर चौथे दिन तक भी आपका सिम्टम्स नहीं आ रहा है तो आपको वहाँ पर रुकना नहीं है, आपको पाँचवें दिन RT-PCR का टेस्ट ज़रूर कराना है, क्योंकि बहुत सारे कंडीशन में एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स आ रहे हैं जिसमें जो सिम्टम्स हैं वो नहीं आते हैं लेकिन वो व्यक्ति पॉजिटिव रहता है और वो इन्फेक्शन फैला सकता है। तो पाँचवें दिन आपको RT-PCR का टेस्ट कराना चाहिए। अगर पाँचवें दिन भी अगर निगेटिव आता है तो आप कन्फर्म कर सकते हैं कि आपको इन्फेक्शन नहीं है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में मैं जो बात समझाने की कोशिश आपको की हूँ वो आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेरीज़ है इस पॉइंट को लेके तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से क्वेश्चन कीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। मेरा मकसद इस वीडियो को या कोई भी वीडियो को बनाने का बस इतना ही है कि पेशेंट जो है, आम जनता है, वो पैनिक नहीं हो, क्योंकि 80% जो केसेज है वो माइल्ड होते हैं और वो घर पर ही ठीक हो सकते हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है, जानकारी ही बचाव है। तो आप प्रिकॉशन रखिए, जानकारी रखिए और अपने आप को और अपने फैमिली को इस भयावह स्थिति से बचा सकते हैं। आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल में भागने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर्स के पास भागने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जानकारी रखिए और उसको फॉलो कीजिए, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रिकॉशंस आपको बताई जा रही हैं। तो इस बात को करते हुए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट फिर से करना चाहती हूँ कि इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि ये आपको लाभान्वित किया है, ये वीडियो कुछ भी इसमें जानकारी आपको मिली हो, तो इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर इस वीडियो पर अगर आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इन्हीं सब बातों को करते हुए ये वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।